हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून क्लास सिक्स। जैसे आप लोगों को बुक से पढ़ा रहे हैं बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप लोग फेयर कॉपी बनाते जाएंगे और डेली, क्योंकि आप सोचेंगे कि दो चार दिन का काम एक दिन में करें तो आपको परेशानी आ जाएगी। और बहुत जल्द फिर दोबारा मैं कॉपी जमा कराऊंगा और फेयर कॉपी को चेक करूँगा, ठीक है? इसको ध्यान में रखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे लाइनर इक्वेशन, उसमें आज हम लोग अब पढ़ेंगे 8.3 एक्सरसाइज। इसके पहले वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म हो गए थे और 8.3 में पेज नंबर अगर नहीं पता है तो 112 अपने मैथ से निकाल लीजिए, 112, उसमें 8.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्विस्ट द नंबर डिक्रीज बाय 22 इज 48, फाइंड द नंबर। करा किसी अंक को ट्विस्ट कर दो, दुगना कर दो और उसमें 22 को घटाओगे तो 48 आएगा, तो फाइंड द नंबर, ठीक है ना? यही कर। देखिए बच्चों कैसे बनेगा। हमने मान लिया लेट बी नंबर इज एक्स, अब हम लोग करेंगे इसको ट्विस्ट। तो एक्स को दुगना करने के लिए 2 से गुना करेंगे, 2x। एज ए क्वेश्चन कहता है 22 को घटाओ तो कितना आएगा, 48 आएगा। मैंने वैसे ही कर दिया, 2x में 22 घटा दिया बराबर 48। अब 2x तो यही रहेगा मगर 22 जो उधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जोड़ेंगे तो 70 आएगा। और x बराबर से मल्टीप्लाई में है तो 2 कहां जाएगा, डिवाइड में। राइट आंसर क्या है बच्चों, 35। ओके नेक्स्ट नंबर 2 देखेंगे बच्चों। कहता है 7 टाइम्स द नंबर इज 36 लेस देन द 10 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। कहता है किसी अंक को 7 गुना कर दोगे तो वो उतना ही के बराबर है जब उस अंक को आप 10 गुना करके 36 को घटाओगे, तो बताओ वो नंबर क्या है। देखिए हमें मालूम नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे लेट बी नंबर इज एक्स। अब हमें कहता है 7 टाइम्स, यानी कि x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x हो गया। ओके और कहता है कि 10 टाइम्स, यानी x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10x आ गया। इसलिए 7x बराबर है कितना, 10x माइनस 36 का। यह मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, राइट? इसका क्वेश्चन पूछने का यही बात है कि 10x में 36 को घटाओगे तो 7x के बराबर है, ठीक है? तो 7x 10x को x की तरफ लाएंगे तो माइनस 10x हो गया, इधर माइनस 36 है, ये माइनस बड़ा है तो माइनस 3x हो गया, माइनस 36 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 36 में 3 डिवाइड में आ गया, x का वैल्यू आया 12, यानी वो अंक 12 है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों। 4/5 ऑफ ए नंबर इज मोर देन 3/4 ऑफ टोटल नंबर, बाय 5 फाइंड द नंबर। देखिए हमें मालूम नहीं है, फिर इसने लेट बी नंबर इज, हमने मान लिया x, तो 4/5 तो x का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 4x बटा 5, और 3/4 को करेंगे x से गुणा, 3x बटा 4। कहता है 4/5 3/4 से 5 बड़ा है, कितना, 5 बड़ा है, इसलिए जैसा कहता है वैसे करेंगे, माइनस करेंगे 3x बटा 4 को तो बराबर कितना आना चाहिए, 5। एलसीएम निकालेंगे भी, 4 बार में जाएगा 16x, 5 15x बराबर 5, घटाएंगे x by 20 बराबर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर 20 मल्टीप्लाई 5, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 100, यही रहेगा। ओके नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों। कहता है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, देखिए ध्यान से, इवन नंबर इज 38, फाइंड द नंबर। मैंने बताया है आप लोगों को, पहले पढ़ाया है कंसेक्यूटिव नंबर यानी लगातार, पर क्या, इवन, नेचुरली इवन, और उनको जोड़ते हैं तो 38 आता है, तो वो नंबर बताए। तो पहला बात याद रखिए, जब इवन नंबर हो
क्या ऑड नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव तो हमेशा उसके बीच डिफरेंस दो का होता है, राइट। तो जैसे मान लिया लेट मी फर्स्ट नंबर इज एक्स, तो भैया सेकेंड नंबर क्या होगा, एक्स प्लस टू होगा, ठीक है। अब हम इसको सम करते हैं, पहला एक्स एक्स प्लस टू, थर्ड ये आना चाहिए, जोड़ते हैं 2x plus 2 is equal to 38, तो 2x बराबर 38 minus 2, तो 2x बराबर कितना आएगा 36, तो x बराबर 2 से डिवाइड करेंगे, x is equal to 18, यानी फर्स्ट नंबर 18 है और सेकंड नंबर 20 है, यही गाइडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, ठीक है। कहता है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, अभी मैंने बताया था ऑड और इवन के बारे में, ठीक है। 52 फाइंड द नंबर, फिर वैसे ही लिखेंगे लेट मी फर्स्ट नंबर इज एक्स, तो सेकंड नंबर क्या होगा एक्स प्लस टू, इसलिए एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 52, 2x इज इक्वल टू 2 माइनस में चला जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा 50, तो x बराबर 50 डिवाइडेड बाय 2 काट देंगे 25, यानी फर्स्ट नंबर 25 है और सेकंड नंबर 2 बड़ा है, यानी कि राइट आंसर 27 है।